फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एसएससी सीरियल 2019 की तैयारी करते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए, आपके जो रीजनिंग क्वांट इन दोनों में 50 out of 50 आए, तो मैं इस चैनल पे इन दो सब्जेक्ट में आपको 50 out of 50 प्री में दिलवाने के लिए दो चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या करने वाला हूँ, रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग में टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके के होंगे, मैंने किस तरीके से अप्रोच डाला है, और क्योंकि ये चीज़ जो है 1 फरवरी 2020 से लेकर 1 मार्च 2020 तक पूरे एक महीने करवाए जाएंगे, जिसमें आपके साथ 25 मॉक टेस्ट जो है रीजनिंग के आपको विद सॉल्यूशन, यानी कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा 25 क्वेश्चन जो आपके न्यू पैटर्न पे TCS ने जिस तरीके से पैटर्न चेंज किया है, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल जो है वो थोड़ा अप किया है, तो उसी जो अब लेवल पे मैं आपके साथ 25 क्वेश्चन यहां डिस्कस करने वाला हूं रीजनिंग में, ठीक है। और आप बगल में उसको मैं बताऊंगा भी किस तरीके से वो क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। ये करवाना मैं क्यों स्टार्ट करना चाहता हूं रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 15 मिनट से लेकर 20 मिनट्स तक टाइम इन्वेस्ट करते हैं एग्जाम में, और अगर आप रीजनिंग में 20 मिनट्स देंगे तो डेफिनेटली आप मैथ्स उस लेवल तक नहीं बना पाएंगे जहां पर आपको 50 आउट ऑफ 50 आए, आपका जो स्कोर है वो 35 से लेकर 40 के बीच में रह जाएगा, और ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो मैं रीजनिंग में जो आपके साथ मॉक टेस्ट जो डिस्कस करने वाला हूं 20 मॉक टेस्ट से लेकर, क्योंकि 20 मिनिमम हो गया, और मैं आपके कोशिश करूंगा कि 25 से लेकर 30 तक मैं आपको मॉक टेस्ट दूं, और उसको आप बनाएं, और आप वीडियो को पॉज कर करके और उसको आप बनाने का जो तरीका है उसको सीखें, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं 2 सेकंड में 5 सेकंड में 10 सेकंड में, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ रीजनिंग में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है एक रीजनिंग के लिए। आपको इस वीडियो से फायदा ये हो जाएगा कि आपके साथ जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 25 क्वेश्चन, वो 25 का 25 में डिस्कस कर लेते हो, रीजनिंग में फिर सोचने की जरूरत नहीं है। और ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि जो स्टूडेंट ये 25 जो क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा और उसको उसका हर एक अप्रोच को अच्छे से वो वीडियो को देख लिया, तो 50 से अगर कम मार्क्स आए तो आप फिर बताना, ठीक है। मैं जानता हूं कि आपका लेवल जो है वो बहुत अप चला जाएगा रीजनिंग में, और जो टाइम आप अभी दे रहे हैं, अगर आप 15 मिनट दे रहे हैं तो आप 10 मिनट में ही सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं स्पीड बढ़ाने के लिए ये मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। दूसरा मैथ्स देखिए, मैथ्स में आप जानते हैं 20 से 24 चैप्टर्स हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं मैथ का मॉक टेस्ट आपके साथ नहीं डिस्कस करने वाला हूं रीजनिंग की तरह। मैथ में क्या करेंगे कि मैथ में होगा कि आपके साथ 10 क्वेश्चन ईच चैप्टर का, यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रीगो, इन हर एक चैप्टर के हर एक 10 टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका हर एक चैप्टर का रिविजन हो जाएगा। जैसे कि परसेंटेज में मानिए जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो हो जाएंगे वैसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। दूसरे हो जाएंगे कि कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो कि मिसलेनियस में रहते हैं, वो आप नहीं पढ़ पाते हैं चैप्टर्स में, वैसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, ठीक है। और तीसरा 2-3 क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर से लेने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आपके रिसेंट में एग्जाम हुए हैं 18 में 19 के CPO के, तो वो यहाँ पर मैं हर एक चैप्टर का उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपसे डिस्कस करूंगा। तो मान के चलिए मोटा मोटी 10 से 15 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, और ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए परसेंटेज में तो आपका एक चैप्टर रिविजन हो गया, दूसरा होगा दूसरे दिन होगा प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, तो ऐसे करते करते हर एक चैप्टर जो भी यहाँ टाइम है उसमें आपको चैप्टर को डिस्कस करवा लेंगे, ठीक है। और अगर आपने उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया, तो डेफिनेटली जो है और भी जो मिसलेनियस जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे साथ में। तो टीयर वन में सोचना ही नहीं है, और अगर आपकी डिमांड हुई तो मैं GK के लिए भी मॉक टेस्ट तैयार करता हूँ 25-25 क्वेश्चन करके, और वो मैं आपको आपके साथ लाइव डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी आपको बता दूं मैं कि साथ में और क्या करने वाले हैं फरवरी के मंथ में, जहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, साइनो एंटो, जो भी प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 होंगे वो मैं आपको एक बार में डिस्कस करवा दूंगा वहां पर इंग्लिश में भी। तो ये भी आपको बेनिफिट हो जाएगा पूरा एक महीना के अंदर में, आप किस तरीके से मैथ्स में 50 out of 50 लाएं, रीजनिंग में 50 लाएं, इंग्लिश में 40+ और GK में 30+ आप स्कोर करें। इसके लिए एक महीने में
मैं आपको 2 से 3 वीडियो के माध्यम से हर डे के हिसाब से आपका पूरा रिवीजन करवा लूंगा। स्टार्टिंग में तो मैं रीजनिंग और मैथ पढ़ाने वाला हूं, बाद में अगर आपका अच्छा रिस्पांस आया तो या तो मैं इसके पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा या मैं आपसे लाइव एग्जाम पे टेस्ट लेके इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो और अगर कुछ इसके अलावा आपको कुछ सुझाव चाहिए वो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर और दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट आपको ये कहना है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें उतना ज़्यादा अच्छा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि ये क्या होने वाला है एक महीने में और कैसे उनका स्कोर अच्छा हो वो इस वीडियो और इस सीरीज़ के माध्यम से वो अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।